दोस्तों रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के आसपास के ठेलों के ऊपर आतंक हो जाने के बाद में हमारे पास में आ गया है ये ब्रांड न्यू JBL मिनी बूस्ट 2। हमने इसको कैसे लिया है अमेज़न से, लेकिन दोस्तों बहुत ही कमाल का स्पीकर है बिकॉज नकली है यार। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, लाइक और शेयर करते हुए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और हम करते हैं अनबॉक्स इसी JBL मिनी बूस्ट 2 को, चेक करते हैं इसके अंदर कितना बूस्ट लगाया है JBL ने या जहां पे भी बन रहा है उसने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार देखो, आज ना मैं इसकी अनबॉक्सिंग से ज्यादा इसके मजे लेने वाला हूँ, बिकॉज मेरे को पता है कि ये शुद्ध नकली सामान है। वैसे यहां पे दोस्तों पीछे इसमें स्पेक्स लिखे हैं, बहुत ही भारी भारी। प्राइस लिखी है सबसे पहले 2,499 रुपए, 300 का तो मैंने लिया है। सड़क किनारे लोग अगर कहीं ऐसा आप चलते फिरते तो मिल जाएगा ये 150-125 रुपए का, पता नहीं 2,500 कहां से हो गया। उसके अलावा यहां पे लिखा है मेड इन USA। ओह माय गॉड, USA लिख के इज्जत बढ़ गई है डब्बे के ऊपर बहुत ज्यादा। उसके अलावा यहां पे दोस्तों चीजें बहुत सारी लिखी है। यहां पे लिखा है वेट 200 ग्राम, मजाक में। हम करते हैं चेक इसका असली वेट क्या है। 51 ग्राम वेट है केवल, 51 ग्राम, पता नहीं 200 ग्राम। उसके अलावा साइज लिखा है प्रोडक्ट डायमीटर 2.85 इंचेस। ऑफ कोर्स ये तो इतना सा होने वाला है, कहां से 2.85 इंचेस। बातें वैसे यहां पे बहुत झूठ लिखी होंगी डेफिनेटली। यहां पे ऑक्स सपोर्ट और ये जो लिखा है ना माइक्रो SD, उसके अलावा और बहुत सारी बातें। बट अगर हम इसको खोलें तो खत्म, दैट्स इट, इतना ही था। बॉक्स में कुछ भी नहीं है यहां पे। और ये जो हमारा स्पीकर है ये ओवर, न केबल है न कागज है, डब्बे में लिखा ही नहीं है भाई कि इसको इंडिया में किसने इंपोर्ट किया, कहां इसको सर्टिफाई किया, क्या इसके अंदर और डिटेल्स है, कोई नाम पता कुछ भी नहीं है। अमेरिका का एड्रेस छाप के दिया है, वो एक बहुत ही शानदार सी बात है। वैसे एक और बात, ये तो लाल रंग का है ना डब्बे पे, यहां पे लिखा था कि ये है ग्रे सिल्वर गोल्ड और रोज गोल्ड में, ये गलती से बन गया होगा शायद ना बाद में अचानक से। वैसे यहां पे ऑफ कोर्स हमारे पास में केवल एक माइक्रो USB पोर्ट है, कोई भी ऑक्स पोर्ट या कोई भी मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है। और प्ले करते हैं फिर देखते हैं, पता लगाते हैं स्पीकर के बारे में। प्रोटेक्शन तो इसके ऊपर भी लगी हुई थी भाई, ताकि स्क्रैच ना आ जाए ना हमारे बेस लाइक JBL मिनी बूस्ट पे। ये मेरे को लग रहा है सिक्के जैसा, ये 10 रुपए का सिक्का है ना, तो आप गाइस ये मान लो कि ऑलमोस्ट द सेम साइज एज 10 रुपी कॉइन जो आपको मिलने वाला है इस JBL बूस्ट 2 में, जो इसका ये डायमीटर है। बॉक्स पे लिखा था 2.85 इंचेस, ऑलमोस्ट इतना होता है भाई 3 इंच, और यहाँ पे ये इतना सा है। वैसे इसके ऊपर मैं ऑन करता हूँ, तो ऑन होता है क्या? ऑन तो हो गया। इसको प्ले करते हैं और सुनते हैं कि आखिर इसका म्यूजिक एक्सपीरियंस कैसा है। नीचे लाइट वाइट जल रही है। वैसे इसका जो नाम आता है ना बाय डिफॉल्ट वो MT करके आता है। MT से क्या बनता है, MB कर देते कम से कम, मिनी बूस्ट तो बन जाता। यार देखो लाउड तो है, क्लैरिटी जीरो है, क्वालिटी कुछ नहीं है साउंड पे, लेकिन हाँ शोर पूरा है भाई, शोर सुनो। एक पता है अच्छी बात क्या है इस स्पीकर का फायदा क्या है, आप इसको ऐसे हाथ पे पकड़ लो मुट्ठी में तो ये आपकी हाथ की ना मसाज कर देगा, बिकॉज वो जो वाइब्रेशंस आएंगे ना वो आप अगर हाथ में फील करोगे ना काफी वो ऐसा टिकलिश एक्सपीरियंस है जो आवाज़ निकल रही है। वैसे तो यहाँ पे लिखा है कि स्प्लैश प्रूफ भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है JBL मिनी बूस्ट 2 स्पीकर। और नीचे ना यहाँ पे कीचेन के लिए जगह है, तो एक्चुअल में इसका पर्पज ही वो है यार कि आप इसको अपने चाबी के छल्ले में अटैच कर लो, उसके बाद में ऑन द गो पोर्टेबल पार्टी डिवाइस आपके पास में तैयार है किसी भी पार्टी में रंग जमाने के लिए। बट अगर आपके पास में एक अच्छा फ़ोन है जहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स हैं, तो फिर आपको
इतने छोटे स्पीकर को यार जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट स्टिल एज अ नॉवल्टी यू माइट गेट इट, कहीं मेले वेले में कहीं दिख जाए, सड़क किनारे दिख जाए तो आप ले सकते हो, बट 100-150 से ऊपर मत देना प्लीज उसके लिए, बिकॉज उसके ऊपर डिजर्व नहीं करता। बट एनीवे, ये है JBL Mini Boost 2। हाँ, स्पीकर जब खराब हो जाए, क्योंकि खराब ऑफकोर्स होना ही है, तो इससे कैच तो जरूर खेल सकते हो। ये जो म्यूजिक बज रहा है ये फिलहाल इस स्पीकर के लिए बज रहा है, क्योंकि इसकी आज खैर नहीं है। लेट्स प्ले कैच एक्चुअल में। ओहो, अरे आराम से मर जाएगा ये। नेवर इन योर लाइफ आपने ऐसा देखा होगा कि आप एक स्पीकर से प्रैक्टिस कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो। ओए, बंद हो गया क्या? नहीं, हिडन फीचर हमने डिस्कवर कर लिया गाइस इस स्पीकर का। जो नीचे एक बटन है वो एक मल्टी फंक्शन बटन है, आप यहीं से म्यूजिक को प्ले और पॉज दोनों कर सकते हो। एक और हिडन फीचर, मतलब इसमें फीचर्स की भरमार है, आप चाहो तो इससे आप डीजे प्रैक्टिस भी कर सकते हो बड़े आराम से। बस टेबल पे रखो, बजाओ। ये बज रहा है लेकिन यहाँ पे हाथ रखो, उसको दबाओ और काफी हद तक तो आवाज जा चुकी है, और जोर से दबाऊंगा तो बेचारे की वो हो जाए। बट एनीवे यार, मतलब खिलौना मस्त है और आपको लट्टू कर देगा, और वैसे खुद भी लट्टू से कम नहीं है। अगर आप चाहो आपको पूरा 360 मजा मिलने वाला है। चारों तरफ आवाज फैल रही है यार, आवाज कंफ्यूज है ना, आवाज चारों तरफ से आ रही है। बट कितना भुलवा हो गया यार, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जब कंपनीज बनाती है ना, तो उनके लिए बस यही होता है, भाई बस करो यार, इतनी सी चीज में क्या 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 ठूंस दोगे। इसलिए तो JBL आज तक ये काम कर नहीं पाया, क्योंकि कोई करने का मौका देते नहीं है यार। उससे पहले वो कुछ सोचे, मार्केट में आ जाते हैं मिनी बूस्ट 2, वो सोचे पहले मैं मिनी बनाऊंगा, बूस्ट बनाऊंगा, फिर वर्जन 2 लेके आऊंगा, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी है, और है सिर्फ सड़क किनारे या रैंडम यू नो आपको ऐसी जगह पर मिल जाएगा, टाइम पास करना तो कर लो। आप बताओ वैसे आपको वीडियो कैसा लगा है स्पीकर, मन की बातें क्या है, लाइक और शेयर करते हुए नीचे कॉमेंट करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।